What's up guys, this is Naveen और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए बेस्ट हाइपर ओएस की थीम लेकर आया हूँ, जिसको आप अपने किसी भी MIUI 14, 13 या फिर 12 पर इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इसके अंदर आपको काफी कमाल के फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो अगर आप चैनल में नए हो, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हो, तो यार सब्सक्राइब मारो, क्योंकि ऐसी वीडियोज आपको आगे भी मिलने वाली है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। एंड हमारी थीम का नाम है हाइपर iOS, सिंपल इसको डाउनलोड मारिए, अप्लाई कर दीजिए। अप्लाई करने के बाद आप इसका लुक देख सकते हो, कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। जो इसके आइकन्स वगैरह है, ये भी आपको यहाँ पे कम्प्लीटली चेंज देखने को मिल जाता है एंड काफी ब्यूटीफुल आइकन्स है। ऊपर हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप की विजिट देखने को मिल जाती है, जिसके नीचे आपको मेरा नाम देखने को मिल जाता है, टैग बड़ी TB2। तो सिंपल आप भी ऐसे ही अपना अकॉर्डिंग इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं जो इसका लुक है, वो कुछ इस टाइप का देखने को मिल जाता है। जो बैकग्राउंड में जो वॉलपेपर है, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, इजिली उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। बाकी जो इसका कंट्रोल सेंटर है, वो आप देख सकते हैं हमें काफी कमाल का देखने को मिल जाता है। जो इसके टॉगल्स वगैरह है, ये भी आपको यहाँ पे कंप्लीटली चेंज देखने को मिल जाता है। एंड अगर इसके सेटिंग की बात करें, तो सेटिंग भी आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिलती है। एंड इसके जो आइकन्स वगैरह, ये भी आपको यहाँ पे चेंज देखने को मिल जाते हैं। एंड उसके अलावा जब आप यहाँ से नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर के अंदर जाते हैं, तो इसका जो UI है, वो आपको यहाँ पे वर्टिकली देखने को मिल जाता है। इस सिम का जो सबसे हाईलाइट फीचर है, वो दोस्तों इसकी लॉक स्क्रीन है, जो हमें यहाँ पे कुछ इस टाइप के इफेक्ट के साथ देखने को मिल जाती है। ऊपर हमें यहाँ पे एक डायनेमिक आइलैंड देखने को मिल जाता है, जिसको आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। बाकी स्वाइप डाउन करके, तो यहाँ पे आपको स्टैंड बाय मोड देखने को मिल जाता है। एंड स्क्रीन पर डबल टैप करके, तो यहाँ पे आपका AOD मोड है, वो भी आपका एक्टिवेट हो जाता है। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डेप्थ इफेक्ट वाला जो फीचर है, वो भी देखने को मिल जाता है। एंड उसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक पिजन वाला इफेक्ट एंड मीडियर इफेक्ट देखने को मिल जाता है। एंड अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, तो इजीली इसको भी चेंज कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे बॉटम में कुछ एप्लीकेशन के शॉर्टकट देखने को मिल जाते हैं, जिनको आप प्रेस एंड होल्ड करके इसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। बाकी उसके नीचे मिलता है आपको एक फोकस मोड एंड नीचे दो शॉर्टकट देखने को मिल जाते हैं। एंड अगर आप इस वॉलपेपर को अगर चेंज करना चाहते हैं अपने अकॉर्डिंग, तो सिंपल आपको यहाँ पे कॉर्नर में डबल टैप करना है, एंड आपकी जो वॉलपेपर है, वो यहाँ पे चेंज हो जाती है। बाकी अगर आप यहाँ पे डबल टैप करते रहेंगे, तो आपको काफी सारी यहाँ पे वॉलपेपर देखने को मिल जाती है। तो इजिली उसको आप जो से अप्लाई करना चाहते हैं, उसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आप इस पूरी लोकेशन को अगर कस्टमाइज करना चाहते हैं, तो सिंपल आपको यहाँ पे बॉटम में डबल टैप करना है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लॉट ऑफ फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जिनको आप दोस्तों वन बाई वन चेक कर सकते हैं। बाकी आपको यहाँ पे मैं एक खास फीचर दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको जो नोच स्टाइल है, वो देखने को मिल जाती है। सिंपल आप इसको यहाँ पे टैप करिए, एंड आपकी जो ये नोच स्टाइल है, वो आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप की देखने को मिल जाती है। तो जो आपको यहाँ पे पसंद है, वो आप उसको यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। एंड उसके अलावा आपको यहाँ पे एक इफेक्ट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जिस पर टैप करने के बाद आप देख सकते हैं हमें काफ़ी सारे जो इफेक्ट है, वो देखने को मिल जाते हैं। तो जो आपको यहाँ पे अप्लाई करना चाहते हैं, सिंपल उस पर टैप करिए एंड यहाँ से उसको अप्लाई कर दीजिए। बात करते हैं कि इस लुक को अपने फोन में कैसे अप्लाई करना है। सभी फीचर्स को अनलॉक करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे थीम स्टोर को ओपन करना है। यहाँ से जाना है माय अकाउंट, यहाँ से जाना है आपको लॉक स्टाइल एंड कस्टमाइज पर। एंड उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जो फीचर्स है, वो सभी सारे देखने को मिल जाते हैं। एंड उसके बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं डेप्थ वॉलपेपर के। तो यहाँ पे आपको अपर वॉलपेपर को सेट करना है, यहाँ पे आपको लोअर वॉलपेपर को सेट कर देना है। उसके बाद दोस्तों अगर आप स्क्रॉल करते हुए नीचे जाएंगे, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो लैंग्वेज है, वो यहाँ पे इंडोनेशियन यूज की गई है। तो अगर आपको भी यहाँ पे मेरी तरह इंडोनेशियन लैंग्वेज नहीं आती है, तो क्या करना है आपको, सिंपल इसका जो स्क्रीनशॉट है, वो ले लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको जाना है गूगल ट्रांसलेट को ओपन करना है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे जाना है कैमरे पर, तो आपको जाना है यहाँ पे फोटोज पर एंड उस वाले जो स्क्रीनशॉट है, उसको यहाँ पे टैप कर देना है। एंड आप देखेंगे कि यहाँ पे इंडोनेशियन से हिंदी में देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से इंग्लिश करना चाहता है या आपकी कोई और लैंग्वेज है, तो सिंपल आप इसको टैप करिए। एंड यहाँ पे मैं दोस्तों इंग्लिश को सेट कर लेता हूँ, तो आप देखेंगे कि अब यहाँ पे जो इंडोनेशियन लैंग्वेज है, वो यहाँ पे आपको इंग्लिश में देखने को मिल जाती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे 6th नंबर पे जो ऑप्शन मिलता है, हमें डेट एंड टाइम सेटिंग का देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रेड्यूस टाइम, डेट कन्वर्जन, डिफॉल्ट डेट स्टाइल। ठीक है दोस्तों, ऐसे करके आप सभी ऑप्शन को यहाँ पे इजिली चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई, तो एक लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो जरूर शेयर करना, ताकि वो भी अपने बोरिंग फोन को कस्टमाइज कर सके। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय।